और आइए अब आपको सीधा ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। ऐसे ही लखनऊ से, प्रयागराज से, झांसी से, गोरखपुर से, गाजीपुर से, हर एक जगह से, हर जनपद से, पूरे प्रदेश, बुलंदशहर से, प्रदेश के हर एक जगह से ये भर्तियां हुई हैं। इसलिए बताती हैं कि भर्ती पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से, ईमानदारी पूर्वक हुई है और प्रदेश के युवाओं को उसकी इच्छा के अनुरूप यहां पर नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जुड़ने का कार्य हुआ है। भर्ती की प्रक्रिया से जुड़ी हुई संस्था को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। मिशन रोजगार के तहत प्रदेश सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है, हमने विगत 5 वर्ष के अंदर 5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी दी। प्रदेश में कानून का राज स्थापित करके जो बेहतरीन वातावरण दिया, इससे प्रदेश में निवेश हुआ। ये जो 33 डिस्टिलरीज भी लगी हैं, इनका परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश इथेनॉल उत्पादन में देश में नंबर 1 पर है, अल्कोहल के उत्पादन में भी नंबर 1 पर है। आज हमारे अन्नदाता किसान को समय पे गन्ना मूल्य का भुगतान हो जाता है। आप सोचिए, 1,80,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान हमने विगत 5 वर्ष के अंदर किया है। देश के कई राज्यों की वार्षिक बजट इतना नहीं होगा जितना हम केवल अन्नदाता किसान को गन्ना मूल्य का भुगतान देने में खर्च कर रहे हैं। और साथ साथ रोजगार का सृजन भी हुआ। ये जो हम लोगों ने डिस्टिलरीज लगाई हैं, ये तो निवेश तो हुआ ही, लगभग 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ ही। निवेश के साथ साथ लगभग 1,00,000 नौजवानों को प्रत्यक्ष और 10,00,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार से जुड़ने का भी अवसर इसके साथ प्राप्त हुआ है। ऐसे ही कानून की बेहतरीन स्थिति पैदा करके प्रदेश में जो निवेश आया, या प्रदेश के परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करके जो कार्य किया गया, इसके साथ भी प्रदेश ने 1,61,00,000 नौजवानों को प्रदेश में नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ने का काम किया, निजी क्षेत्र में भी और विश्वकर्मा श्रम